हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इस जगह पर आज सेकंड बार आया हूँ, जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे, ये नवसारी का स्टेशन है, जो लोग मैक्सिमम यहाँ से 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको WDFC का लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर का अपडेट, जो कि मैं इस लोकेशन में फर्स्ट बार आया हूँ। हालांकि मैं एक बार और आया था इस लोकेशन पर, लेकिन मैं इस नवसारी के अंदर नहीं आया था। लेकिन अभी मैं पहुँचा हूँ नवसारी के पास, और जो कि आप देख रहे हैं ना, ये नवसारी से एक जो स्टेशन है वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा ट्रैक बनकर रेडी हो चुका है, अप और डाउन दोनों लाइन रेडी हो चुके हैं। और इसके आप बाजू में देख रहे हैं, जो कि इंडियन रेलवे की जो कि करंटली में मालगाड़ी और दोनों सवारी गाड़ियां दोनों एक ही जगह पर दौड़ती हैं। दोस्तों, तो अभी नवसारी स्टेशन के पास एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो कि पहले जो गाड़ियां निकलती थी तो वहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक की समस्या थी। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ना, फ्लाईओवर का काम चल रहा है नवसारी के अंदर। दोस्तों, तो नवसारी का जो मेन स्टेशन है, अभी आप देख पा रहे होंगे, इसके बाजू में ये WDFC की लाइन यहाँ से होकर निकाली गई है, और यहाँ से ये फ्लाईओवर स्टार्ट होता है। और इसके बाजू में आप देख रहे हैं ना, ये इस जगह पर ये प्लेटफॉर्म है नवसारी का, और इसके जस्ट बाजू में अभी आप गाड़ियाँ देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर सीधा ये WDFC का ट्रैक बिछाया गया है। दोस्तों, WDFC जो कि हमारे भारत की रेलवे की दूसरी बड़ी परियोजना है, और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी कि 5 राज्य से होकर ये गुजरती है। दोस्तों, ये परियोजना दोस्तों, आप सभी को पता नहीं होगा कि हमारे भारत में अभी जो मालगाड़ी और जो सवारी गाड़ियाँ चलती हैं ना, उसमें से 60 से 70% सिर्फ मालगाड़ियाँ दौड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारी सवारी गाड़ियों को लेट होने में समय लगता है। जब ये रूट पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा, तो सारी की सारी जो सवारी गाड़ियाँ हैं वो WDFC की रूट पर चलाई जाएंगी। और अभी आप देख पा रहे होंगे, मालगाड़ी जा रही हैं, और ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनियाँ हैं जो कि अपना सामान ढोने का काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ WDFC द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, तकरीबन मैं यहाँ पर आया था आज से 4 महीने पहले, तब मैंने आपको इसका अपडेट दिया था, और उस वीडियो पे आप सभी ने मुझे काफ़ी अच्छा प्यार भी दिया था। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सामने पूर्णा रिवर है, जिसके ऊपर इसका ब्रिज बन के पूरी तरीके से रेडी है। दोस्तों, और यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर ट्रायल रन किया जाएगा, जिसपे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर सवारी गाड़ियाँ दौड़ने वाली हैं एक पटरियों पर, और यहाँ पर सिर्फ मालगाड़ियाँ दौड़ने वाली हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, दोस्तों अभी जो मालगाड़ियाँ दौड़ती हैं, इनकी जो लंबाई होती है 750 से 800 मीटर होती है, और इस पर जो मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी दोस्तों, इनकी जो लंबाई होगी 1500 मीटर होगी। दोस्तों, तो यहाँ पर जो ब्रिज बनाए गए हैं, दो रिवर है यहाँ पर, पूर्णा रिवर जो कि उत्तरी पूर्णा रिवर और दक्षिणी पूर्णा रिवर। अभी हम जो सामने देख रहे हैं, ये उत्तरी पूर्णा, और मैंने स्टार्टिंग किया था दक्षिणी पूर्णा से। दोस्तों, दोस्तों इसकी फाइनली जो डेडलाइन है, जो बनके रेडी होने वाला है, ये जून 2024 में पूरी तरीके से रूट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर जो मालगाड़ियाँ दौड़ने लगेंगी दोस्तों, और उससे आप और हम सबको दोस्तों समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होने वाली है, जो कि
यहाँ पर मालगाड़ियाँ जब चल के स्टार्ट होने वाली दोस्तों उस वक्त। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ का जो लेटेस्ट नज़ारा दोस्तों। WDFC की जो परियोजना बनाने का मकसद क्या है कि इस पर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारा मजबूत होगा और यहाँ पर हमें जो कि चार पाँच पाँच घंटे हम एक्स्ट्रा टाइम लगता है इस समय पर पहुँचने पर। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये मालगाड़ी यहाँ पर मालगाड़ी का जो रूट बन रहा है और पास में आप देखेंगे सवारी गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि जब ये रूट बन के हो जाएगा रेडी तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ पर्सनल सवारी गाड़ी चलेंगी, इस पर सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी। दोस्तों आप सभी को यह मालूम नहीं होगा कि अभी जहाँ पर ये सवारी गाड़ी मालगाड़ियाँ मिलकर चलती हैं इस पर 70% मालगाड़ियाँ चलती हैं दोस्तों। जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो 100% सिर्फ सवारी गाड़ियाँ चलेंगी और बहुत ज़्यादा हमें समय की बचत होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग में दोस्तों। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।